जय श्री माता जी। ऑनलाइन उपस्थित सभी साधकों का हम स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे। Thank you.
लक्ष्य केंद्रित करेंगे हमारे सहस्त्रार पर। श्री माता जी, कृपावंत होकर हमें निर्विचार अवस्था प्रदान कीजिए। इसी अवस्था में हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं किया हुआ है, वो आपके मन को पढ़ सकती है। जो सैटैनिक फोर्सेस होती है वो आपके मन को खूब अच्छे से पढ़ लेती है। यहां तक उनका है कि अगर आप उसे कुछ बातचीत करें तो कोई आदमी आपको मिलेगा, बता देगा मुझे पता है माता जी से आपकी क्या बातचीत हुई, वो आपके मन को पढ़ सकते हैं। फौरन बता देंगे कि हाँ आपके आपस में बातचीत हुई थी, क्योंकि आपने सारा प्लानिंग किया हुआ है आपके मन में, वो आपके मन को पढ़ लेते हैं। उनको पता है कि आप इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाना है, उनको आपका सारा भेद पता है, वो आप पे असर करते हैं। इसलिए उनसे भेद रखना पड़ता है। आपको ये पता नहीं होगा कि सैटैनिक फोर्सेस संसार में कितनी विद्यमान हैं। ये जितने भी राक्षस लोग अपने को गुरु कहलवाते हैं, ये सब सैटैनिक तो हैं। इनकी शक्तियां हिप्नोसिस वगैरह की जो चलती है, ये सब सैटैनिक शैतान की शक्तियां, और इससे ये आपके ऊपर असर करते रहते हैं। इन शक्तियों को पहचानने के लिए भी आपको सहयोग में आना, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शक्ति कहां से घुस रही है, किस तरह से आप पे आघात किए जा रही और किस तरह से आपको वो सताने वाली। अब डॉक्टर लोग हैं जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जानते ही नहीं कि हर पागल आदमी के अंदर कोई ना कोई भूत घुसा हो रहता है। वो इसको समझते नहीं है, हम इसको विश्वास करते हैं बेचारे, और उसका असर उन पे आ जाता है। अब हमारे यहाँ आज ही वो चले गए, साइकार्टिस्ट आए हुए थे लंदन से, उनको ये नहीं मालूम कि इनसे अपना बचाव कैसे करना है। जैसे समझ लीजिए किसी को टीबी की बीमारी हो गई, तो हम लोग उससे बचाव करते हैं कि वो बीमारी अपने को लग जाएगी, लेकिन ये शैतानी शक्तियाँ उससे बचाव करने के लिए हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम तो देख भी नहीं पाते कि कौन सी शैतानी शक्ति है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो इसको जानते,
लेकिन हम लोग हो गए अंग्रेज, जैसे मैंने कहा, तो हम लोग इस चीज को नहीं जानते कि शैतानी शक्तियां संसार में किस तरह से कार्यान्वित होती हैं और किस तरह से हमें परेशान करती हैं। लेकिन इसकी मात है, परमात्मा के आगे कोई भी चीज शक्तिशाली नहीं, सबसे शक्तिशाली चीज परमात्मा। और जब आप परमात्मा के बंदे हो जाते हैं तो वो आपको देखता है और आपको संभालता है। वैसे भी वो आपको संभालते रहते ही हैं, इसलिए थोड़ी मोटी चोट लग जाएगी किसी शरीफ आदमी को, छोटा मोटा हो जाएगा जैसे आपके हो गए। छोटे बच्चों को आप जानते हैं, ऊपर से बच्चे गिर जाते हैं, उनको कहते हैं देवदूत उठा ले। खासकर विशेष करके जो बच्चे प्रबुद्ध होते हैं, जैसे ये बच्ची है, अब ये पैदाइशी रियलाइज हो रहा है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ये बचपन से बीमार रहेंगे क्योंकि इनके ऊपर हमेशा शैतानी हल्ला होता है। हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो दोनों नाड़ियां मैंने आपको बताई थी सवेरे, उसे एक साइड में जब लेफ्ट में आप जाते हैं तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, मैंने सामूहिक सुप्त चेतन, और अगर राइट साइड में आप जाते हैं तो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस। लेफ्ट साइड में ऐसे लोग रहते हैं मरे हुए कलेक्टिव सबकॉन्शियस में कि जो अभी तक तृप्त नहीं, आपको परेशानी हो रही है, जो अभी तक तृप्त नहीं है और जिनकी आत्माएं अभी भटक रही है, लेकिन जो बहुत ही गंदे किस्म के, छोटे किस्म के चोर उचक्के ऐसे, और दूसरे किस्म के जो लोग होते हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, जैसे हिटलर स्टाइल के, ये भी दूसरे साइड में अपने होते हैं कलेक्टिव सामने। आज एक साहब ने मुझसे कहा कि आप मुझे मंत्र दीजिए माता जी। जो लोग मंत्र देते हैं बड़े धोखे में आपको रखते हैं, आपको पता होगा। जैसे आपको किसी ने राम का मंत्र दे दिया, आप तो कभी पूछेंगे नहीं कि भाई हमें राम का मंत्र तुमने क्यों दिया। अब आप रटने लगे राम 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 राम। अब राम जो है वो कोई आपके नौकर तो है ना, उनको आप बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, आपका क्या अधिकार है? सोचने की बात है कि जब आपको अधिकार ही नहीं तो आपको बुला कैसे रहे। एक छोटी सी चीज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी हैं, उनको अगर आपको मिलना है तो क्या आप उनके पास सीधे जा करके कह सकते हैं कि मुराद जी हमसे बात करिए? उनको मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है, 17 जगह आप जाइए, दौड़िए, इनसे मिलिए, उनसे मिलिए, तब मिल सकते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इतने सस्ते मिल जाएंगे आपको कि आप बस पुकारने लग जाए, वो आके हाजिर हो जाए। हो सकता है राम नाम का कोई नौकर ही हो इधर या उधर फंसा हुआ, जो आपके अंदर घुस आता है और आपको एकदम ऐसा लगता है कि वाह भाई मेरे को तो बड़ी शांति मिल गई, क्योंकि उसने आपका काम ले लिया, वो आपके अंदर आ गया, आपको लगा वाह साहब मेरा तो काम बड़ा जबरदस्त हो। या आपने जाना नहीं कि आपने अपने को नहीं खोजा है, ये कोई दूसरा ही अपने ऊपर लाद दिया, और ये जो दूसरा लादा हुआ आदमी है इसको अपने एक ही शरीर पर आप लाने चले जा रहे हैं। 5-6 साल बाद आप देखिए आपका शरीर यूं थर 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 लट लट आएगा और आदमी कमजोर हो जाता है। इन शक्तियों से भी परिचित होने की बहुत जरूरत है। सहयोग में आने के बाद जब आपके वाइब्रेशन आते हैं तब आप देख सकते हैं कि आस पास में किस तरह की शैतानी शक्तियां भी चलती हैं और परमात्मा की शक्ति किस तरह से आपको हर चीज में कामयाब कराती हुई, किस तरह से आगे बढ़ा और किस तरह से वो रास्ता ढूंढ करके और आपको सही रास्ते पर पहुंचाते, ये देखने लायक है। इसके अनेक अनुभव लोगों को आए हैं और आपको भी आएंगे, इसलिए आप पार हो लीजिए और इस चीज को प्राप्त करें। मैंने आपको नाभि चक्र के बारे में भी बताया था, इस चक्र में हमारी जो खोज है उसके बीज है। जब जानवर खाना खोजता है वो भी इसी वजह से, और इंसान जब परमात्मा खोजता है वो भी इसी वजह से। परमात्मा को खोजना भी मनुष्य के अंदर ही निहित बना हुआ, इसकी खोज उसके अंदर है, वो चाहे माने या चाहे न माने, जब तक इसको वो पूरा खोज नहीं लेगा उसको तृप्ति नहीं आने वाली। वो अपने को भूखा रखे थोड़ी देर लेकिन उसको चैन नहीं आने वाली, उसको परमात्मा को खोज के निकालना है। और जब वो परमात्मा को खोजने निकलता है तब चारों तरफ से सप्लाई भी शुरू हो जाता है। आप जानते हैं किस तरह के लोग संसार में आकर के परमात्मा के नाम पे कोई भी चीज बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और किस तरह से गलत सलत झूठ चीज आपको बेचते हैं, और उनके बारे में कुछ भी कहिए
उसके बारे में इतना अखबारों में निकलता है, छपता है, पर तो भी लोग उन्हीं के चरणों में चले जाते हैं। क्यों जाते? क्योंकि एक तरह की मंत्र मुग्धता है, हिप्नोसिस, एक झूठ है, उस झूठ को मानिए और उस झूठ से छुट्टी नहीं पाता। बहुत मुश्किल हो जाता है उनको झूठ से छुट्टी पाना। इसके चारों ओर जो आप देख रहे हैं हरा रंग आदि बनाया हुआ है, यही भवसागर है। मनुष्य के अंदर भी ये भवसागर है। इस भवसागर को पार करने के लिए कुंडलिनी को कोई ना कोई सोपान, कोई ना कोई ब्रिज बनना चाहिए और उस ब्रिज को सिर्फ सहयोग में घटित होता है। जब आप मेरी ओर हाथ किए हुए हैं या किसी भी आप ऐसे रियलाइज सोल की तरफ हाथ करेंगे तो जो आपके अंदर में चैतन्य की लहरें जाती हैं वो आपके हाथ से गुजर करके नीचे में वहां पर एक सोपान बना देता है। उस सोपान से ही कुंडलिनी ऊपर में चढ़ के आ जाती है। लेकिन अगर इसमें कुछ खराबी हो, इस सोपान में या आपके नाभि चक्र पे या इसके चारों तरफ फैले हुए इस भवसागर में जहां की गुरु के स्थान है, अपने यहां 10 गुरु माने गए हैं असल में, इसको कि प्राइमोर्डियल मास्टर कह सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आज बताया था आपसे। लेकिन छोटे गुरु, झूठे गुरु भी बहुत है, बहुत ज्यादा झूठे। और जिस आदमी ने किसी भी झूठ का पल्ला पकड़ा है उसके लिए कुंडलिनी यहां से चलती नहीं, वहीं अटक जाती। उसके 2 चक्र पकड़ते, नाभि और ये। उस पर अगर किसी से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है तो उन्होंने बताया कि साफ फलाने ढोंगानंद भंगानंद जो भी नंद हो, नाम तो ऐसे उनके रखते हैं कि भगवान ही बचा रहे, फलाने हमारे गुरु। अच्छा, तो कहा जाए कि भाई वो गुरु तो ठीक नहीं है क्योंकि आपकी कुंडली नहीं रुकती है नाभि पर। अब आप हमारे पास पार होने के लिए आए हैं, आए हैं ना, आप अपना इलाज कराने के लिए आए समझ लीजिए। अब आपने कोई बदपरहेजी की तो हमें बताना होगा या नहीं? आपको अगर डॉक्टर कहे कि देखिए आपने खट्टा खाया इसलिए आपको नुकसान हो गया तो क्या आप डॉक्टर से लड़ेंगे कि नहीं साहब डॉक्टर वो खट्टा खाना ही ठीक है? ये तो पागलपन की निशानी। लेकिन उस गुरु का लेकर के झगड़ा खड़ा कर देंगे। जरा एक मिनट में इस बात को मान लें कि हाँ, अगर हमारे गुरु ठीक होते तो आज हम पार होते। माने कहा है कि जो असल गुरु होगा तो हम तो उसके शिष्यों से पहचानते, उसके कुंडलिनी से पहचानते, हम तो किसी भी गुरु को नहीं जानते थे। जैसे कोई हमारे सामने आता था हम समझ जाते कि ये कौन से गुरु के चेले आए हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक गुरु थे, वो बहुत अपने को समझते थे, सन्यासी थे, अपने को सन्यासी लोगों से हम लोग बड़े अभिभूत रहते हैं, सोचते हैं वाह 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 सन्यासी आदमी आ गए। तो बस सन्यासियों से तो मैं इतनी घबराती हूँ, मैंने आपसे बताया कि सन्यासियों से बहुत दूर रहता। तो अगर सन्यासी कोई अपने सामने आ गया तो लोग सोचते वाह भाई इससे बढ़कर कोई नहीं, वो सन्यासी का जीवन कैसा है, उसका खान पीन कैसा है, वो किस तरह से लोगों को खसोटता है, नोचता है, ये कोई नहीं देखता। उसने सन्यासी का वस्त्र पहन लिया और बड़ा भी है। और उनकी कुंडलिनी में एक विशेषता होती है कि कुंडलिनी एकदम ऊपर चढ़ के धड़ से फिर नीचे गिर जाती है, उसको बांधना पड़ता। सबके एक एक तरीके हैं, उससे आप पहचान सकते हैं कि इनके गुरु कौन थे। इतने झूठे गुरु संसार में आए हुए हैं कि आपको अंदाज नहीं है कि कितने गुरु आए। असल भी गुरु बहुत सारे हैं। आज एक साहब ने पूछा कि कोई असल गुरु भी है, मैंने कहा है। अब अमरनाथ में एक नागनाथ बाबा, वो कभी कभी आते हैं मेरे लिए, आते हैं हमेशा मुझे मिलने। महाराष्ट्र में है गगनगढ़ महाराज, दक्षिण में एक ब्रह्मचारी करके हैं, वो रहते हैं कालीकर, ये ब्रह्मचारी नहीं। रंगून में एक है, ऐसे हैं काफी लोग हैं, लेकिन वो लोग समाज में नहीं, शहर से बाहर दूर जंगलों में। गगनगढ़ महाराज सबसे बताते थे कि अब जब माँ ही आ गई तो तुम कहो मेरे पास आते हैं। तो जब हम कोल्हापुर गए, हमने कहा जाए ऊपर देखाएंगे, तो हमारे सब शिष्य लोग कहने लगे माँ आप तो सब गुरुओं से और इनसे बहुत परेशान है, इनसे क्यों मिलना चाहती है? हमने कहा बेटे जरा वाइब्रेशन देखो, वो 7 मील ऊपर चढ़ना था, हमने कहा हम तो चढ़ के जाएंगे उनसे मिलने। जब उन्होंने ऐसे हाथ किया तो उनके सबके अंदर हाथ में ठंडा ठंडा आने लगा, तो कहने लगे कि चलिए। जब ऊपर गए तो देखा बैठे थे मस्ती में अपने और बहुत नाराज, कहने बरसात हो रही थी, सब भीग गई आप। अब देखिए कि इन लोगों ने कैसे प्रभुत्व
चीजों पे कर लिया, बरसात पे, सूर्य पे, ये सब काम इन्होंने किए, लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत कम देते हैं। उन्होंने एक आदमी को रियलाइजेशन दिया। मैंने कहा कि भाई आपने रियलाइजेशन क्यों नहीं दिया और लोगों को? तो कहले एक को दिया और कान पकड़े, 25 साल उस पर हमने मेहनत करी हर एक चक्रों पर। बात है उनको टाइम बहुत लगता है, मेरे को तो लगता नहीं ना टाइम, मैं तो इसमें माहिर हूँ, लेकिन उनको बहुत टाइम लगता है बेचारों को। बोल रहे थे मुझे को हजारों वर्ष लगे एक वाइब्रेशन पाने में। कहले एक पे मेहनत करी, उनका नाम अरना महाराज। कहला आप माता जी कभी देखना तो आपको पता होगा, तो मुझे उसका मुंह भी नहीं देखने का। तो कहने लगे कि वो कामिनी और कांचन के पीछे पड़ा हुआ। रियलाइजेशन के बाद, सारी शुद्धि के बाद, उसके बाद एक दिन ऐसा इत्तफाक हुआ कि उनसे कुछ मुलाकात हो गई हमारी, किसी के यहाँ आए हुए थे, बदतमीजी शुरू थी उनकी पूरी समय, औरतें वरते भी लेके बैठे हुए थे। तो हमें कहने लगे कि हमारे महाराज जो हैं आप मुंबई आते हैं आपसे मिलने के लिए, उनकी 108 वर्ष की उम्र है इन महाराज की, जिनकी बता, वो तो कभी छोड़ते नहीं थे अपना तकिया, उनको क्या जरूरत है आने की, मतलब इनके पेट पर पैर आता होगा उनके आने से, तो बहुत नाराज थे अपने गुरु जी। तो मैंने कहा कि अच्छा अब हम तो जा रहे हैं, ऐसा करिए आप कि हम आपको कुंकू लगाते हैं। तो हमने उनके आज्ञा पे कुंकू लगाया, हमने कहा बाप हमें लगा दें। जैसे उन्होंने लगाया तो उंगली यहाँ चिपक गई, धक 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 शुरू हुआ, तो फिर लगे चिल्लाने, कहले माँ माफ कर दो माफ कर दो। मैंने कहा फिर से अपने गुरु के लिए ऐसे कहा तो देख लेना, मुझसे बुरा नहीं, अपना आज्ञा तो पूरा पकड़ा हुआ, क्या बातें करते हो, बकवास, शर्म नहीं आती तुमको, सभी औरतों के साथ यहाँ बैठे हो, इतनी उन्होंने 25 साल तुम्हारे ऊपर मेहनत करी हुई, चले जाओ। मैंने कहा यहाँ, लेकिन बाद में उन औरतों ने बताया कि उन लोगों से सबसे 125,000 सोना और 125,000 सब ले लिया। उसके बाद मैंने उनसे कहा आप जब आए तो उनको 125 जूता मारा, कहना कि हमारी श्रद्धा इससे 125 की है, लेकिन हमारे हाथ दुखेंगे तो 125 जूता तुमको मारेंगे। मैंने वो तो रियलाइजेशन के बाद भी इतनी बदतमीजी कर सकते थे, तो जो रियलाइज ही नहीं है, जिन्होंने यही शुरू से प्लान कर लिया कि किसको कैसा लूटे और किसको घसोटे, ये तो पक्के चोर बिलंदर हैं। बहुत से लोग जेल से छूटने के बाद ही गुरु बन जाते हैं, आप लोग हैं कहाँ? उसे नाराज होने की कोई बात नहीं, जो असलियत है उसे समझ लें, मैं आपकी माँ हूँ, मुझे आपको आगाह करना है। हर एक गली कूचे में एक एक गुरु बैठा है, अगर आप उनका पता लगाएं, बाकी अगर पुलिस लगा दें इनके पीछे में सबको, तो पता हो जाएगा कि आधे 50% लोग जो जेल से निकले हुए घूम रहे, बम्बई वाले यहाँ आएंगे, यहाँ वाले बम्बई जाते हैं। इससे अच्छा और कौन सा तरीका होता लोगों को ठगने का, जिसे रावण ने सीता जी को तक ठग लिया। जितनी भी बदसूरत चीज हो उसको ढकने के लिए बहुत खूबसूरत चीज उस पर लगा दीजिए, वो चीज ढक जाती। आपसे भी बढ़ के विदेश के लोग बेचारे बड़े सीधे हैं, वो कहते हैं कि वो तो कह रहे हैं वो भगवान है। अरे मैंने कहा वो कहने को लगता क्या ये जबान है, कह दिया। कहले उन्होंने तो पेपर में छपवा दिया। मैंने कहा लगता क्या, पेपर में पैसा दे दिया उन्होंने छपा दिया। अभी वो कह रहे हैं इसका मतलब हो गया वो सत्य ही, क्योंकि ये लोग इस तरह के हैं, ऐसे नहीं सोचते हैं कि हम लोग भी जो कहते हैं उसका कुछ माने होता है। यहाँ तो किसी कहने को कुछ लगता ही नहीं। तो ये जो गुरु का अंदर अपने यहाँ जो बना हुआ है, जहाँ मैंने भवसागर बताया होगा, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको समझ लेना। और इसलिए हम तो सबको खुलेआम कहते हैं हर एक के बारे में, हमने 1970 से हम खुलेआम सबके बारे में कह रहे हैं, नाम ले लेकर के सबको, और बता रहे हैं कि ये क्या क्या गड़बड़ करते हैं खुलेआम। लेकिन किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि ना हमारे ऊपर किसी ने केस की, ना किसी ने पुलिस में दर्ज किया, ना कुछ, खुलेआम सबके नाम ले लेकर के हम बता रहे हैं कि किस कदर के बदमाश लोग, किसी की हिम्मत नहीं। हालांकि सब लोग हमें आकर कहते हैं कि माँ तुमको नहीं मालूम मैं तुम्हारा मर्डर कर देंगे। मैंने कहा करे तो, मैं देखू तो कौन करता मेरा मर्डर। ना किसी ने शिकायत की, ना किसी एक अक्षर हमारे विरोध में कोई नहीं बोला, क्योंकि इनको मालूम इनकी सारी पोल पट्टियां मुझे मालूम। लेकिन इनके शिष्य जरूर ऐसे होते हैं कि जो मेरे से खिलाफत कर लेते हैं, पर वो लोग नहीं, वो लोग चुप्पी साधे बैठे, सब एक से एक बिलंदर है और सब आपको लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए सजग हो जाएं और सतर्क हो जाएं, इनके चक्कर में ना, और इसलिए बुरा मानने कोई बात नहीं,
माँ है, माँ सब बात सही सही बताएगी और आपसे पूरी बात बताएगी, चाहे बुरा माने चाहे भला माने। मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, सबको अच्छा कहते हैं, फिर बस आप लोग नाराज ही नहीं होंगे। वो लोग तो किसी को बुरा भला नहीं कहते, वो क्यों कहें? उनको आपको जेब से मतलब, आपको नचाने से मतलब है उनको, वो आपको किसको बुरा भला कहें? ईसा मसीह ने कहा था कि शैतान के घर में रहने वाले लोग आपसी बुराई करके कहाँ जाएंगे। लेकिन कबीर ने आवाज उठाई थी, नानक ने आवाज उठाई थी, ईसा ने आवाज उठाई थी, इसलिए क्योंकि ये सब झूठ है। और मुझे इसमें भी हर्ज नहीं है, स्मगलिंग करें, कुछ करें, पैसा कमाएं, कोई हर्जा नहीं, चलो भाई पैसा ही कमाते, लेकिन ये आपकी कुंडली नहीं खराब कर देते। जो आपका अधिकार है सहजयोग का, जो परमात्मा का पाने का आपका अधिकार है, उस पे हाथ मारते हैं, इसलिए मैं इनके विरोध में। अब जो उसके ऊपर का चक्र है, जिसके बारे में अभी तक तो मैंने बाकी सब चक्रों के बारे में बताया था, जिसे कि हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। चक्र हृदय तो अलग है, हृदय में तो आत्मा का स्थान है, आत्मा जो है वो हमारे अंदर स्थित है और सारे हमारे क्षेत्र को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वही साक्षी है, वो हर एक चीज जानता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कुंडलिनी जागरण से सिर्फ आपकी जो चेतना है, इस वक्त जो चेतना है, वो आत्मा में लीन हो जाती है। अभी तक आत्मा आपसे परे है, आत्मा से आप संबंधित नहीं है, वो आपकी अवेयरनेस में चेतना में नहीं है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब आपकी चेतना में आत्मा आ जाते हैं, और आत्मा क्योंकि सर्वव्यापी शक्ति है, आप भी सर्वव्यापी हो जाते हैं। इसको आगे आप समझेंगे और भी किस तरह। अब ये जो हृदय चक्र है, ये बीचों बीच में है, ये आपकी माँ का, देवी का है, जगदम्बा का, जो कि पहाड़ों में बहुत प्रसिद्ध है, उनका ये स्थान है। इन देवी ने अनेक बार संसार में अवतरण किए, और ये भवसागर में जो लोग परमात्मा को खोज रहे थे और जिनको बहुत राक्षसों ने सताया था, उनसे इन्होंने रक्षा का कार्य किया। ये रक्षा करते हैं, इसी का रक्षा का अगर स्थान खराब हो जाए, जिसे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कहते हैं, तो ये चक्र है दख दख करने लग जाता है। औरतों को जब इस तरह की चीज हो जाती है तो उनको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है, अगर वो इनसिक्योर फील करें तो उनको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है। आस्थमा की बीमारी भी इसी चक्र के खराब होने से होती है, इस और इस चक्र के कॉम्बिनेशन से होती है, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। आज तक मां की बीमारी भी ऐसी ठीक हो सकती है 2 मिनट के। हमने कश्मीर के जो गवर्नर सहाय साहब थे, उनकी 25 साल की आस्थमा की बीमारी एक क्षण में ठीक कर दी, एक क्षण की। जब यह चक्र जागृत हो जाता है, जब आपके अंदर जगदम्बा जागृत हो जाती है, तो आपकी सुरक्षा बन जाती है, आप अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए यह चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चक्र को किस तरह से ठीक किया जाता है, ये भी अगर आप हमारा पैम्फलेट पढ़ें, इंग्लिश की किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ, किस मंत्र जागरण से ये चक्र ठीक होगा। इसके ऊपर ये जो चक्र है, ये मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पीछे में इस जगह, इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। इस विशुद्धि चक्र से 16,000 नाड़ियां हैं, ये श्री कृष्ण का चक्र, इसमें श्री राधा कृष्ण बसते हैं। इसकी लेफ्ट साइड में विष्णु माया, आदि माया, जो कि उनकी बहन है, वो रहती है, और इस राइट साइड में रुक्मिणी और कृष्ण का स्थान। रामचंद्र जी का स्थान सुषुम्ना पद से हट करके इस साइड में, राइट साइड में, हृदय चक्र से राइट साइड में है, क्योंकि आपको मालूम है उन्होंने अपने को पूर्णतया मनुष्य बनाने के लिए अपनी अवतार की दशा से हटा लिया था। वो अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते, हालांकि थे तो अवतार ही। नाभि चक्र में सारे ही उत्थान हुआ है, जो दशावतार हुए हैं वो नाभि चक्र से शुरू हुए। फिर सातवां अवतार आप जानते हैं, छठा अवतार
रामचंद्र जी का था, वो यहां करो। उसके बाद कृष्ण का अवतार है, कृष्ण से पहले परशुराम का अवतार हो, उनका भी होना जरूरी था। परशुराम का अवतार इसलिए हुआ था कि वो संसार में आकर के अपने बल से लोगों का कल ठीक करे, क्योंकि टेढ़ी खीर आदमी की बुद्धि हीरे उंगली बाहर ठीक नहीं होती, तो उन्होंने अपने जोर से और अपनी शक्ति से लोगों को पहले तैयार किया, और फिर जब वो आ गए तब उन्होंने श्री राम के बारे में बताया कि यही श्री राम है। इस प्रकार दोनों की दोनों साथ आए थे, इसलिए बताने के लिए क्योंकि ये पुरुषोत्तम थे, क्योंकि ये मनुष्य के जैसे रहते थे, इसके बारे में बताने के लिए ही परशुराम का अत्यंत जाज्वल्य ऐसा अवतरण उनके साथ ही हुआ था। उसके बाद श्री कृष्ण का अवतार हमारे विशुद्धि चक्र पे हुआ। ये विशुद्धि चक्र एक बड़ी महान चीज, मनुष्य ने जब अपनी गर्दन जानवर से ऊपर उठा ली तब वो मानव हो गया, तब ये चक्र घटित हुआ। श्री कृष्ण जो है ये विराट स्वरूप है, समझ लीजिए ये एक विराट है, और इस विराट के अंदर आप छोटी छोटी पेशियां हैं, आप भी विराट के स्वरूप हैं। आप जब जागृत हो जाते हैं तो आप विराट से संबंधित हो जाते हैं, वही परमात्मा की शक्ति जिसे मैं कह रही हूं, वही जो परमात्मा का साम्राज्य है उसमें आप जागृत हो जाते हैं। सारी पेशियां इस तरह से जब जागृत हो जाती हैं तो पूरा विराट जागृत हो सकता है, ये विराट की शक्ति है। अब मोहम्मद साहब ने जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया था वो इसका मंत्र है, आपको आश्चर्य, ये उंगलियां कान में डालकर, ये उसकी उंगलियां हैं। देखिए कितने कायदे की बातें वो कर गए, ये उसकी उंगलियां हैं, यही विशुद्धि की उंगलियां, अगर ये उंगली पकड़ जाए तो समझना चाहिए विशुद्धि चक्र पकड़ा, और आप अगर पूछेंगे तो बताएंगे भी कि हाँ मुझे मेरा गला खराब। इस उंगली को कान में डाल कर जब आप सर ऊपर करते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं, अकबर का मतलब विराट से होता है, तो एकदम विशुद्धि चक्र खुल जाता है। आपके देहरादून में विशुद्धि चक्र ज्यादा पकड़ा, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, उसको आप समझ लें जो भी आपके अंदर हो। एक कारण ये हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा सिगरेट पीते हो या तंबाकू खाते हो, उससे भी शुद्धि चक्र पकड़ता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आप गलत ध्यान धारणा करके और कोई गलत मंत्र कहते, उससे भी शुद्धि चक्र पकड़ता है। तीसरी चीज है कुछ सर्दी जुकाम का भी आपको ठीक से ख्याल न रहे और आप अब परहेजी जो चीजें वो खाते हो और अपने गले को खराब करते हो, उससे भी शुद्धि चक्र पकड़ता है। विशुद्धि चक्र इससे भी पकड़ा जाता है जब आदमी अपने को बहुत छोटा समझता है, जब वो यह सोचता है कि वो विराट का कोई हिस्सा नहीं है, जब वो ये नहीं समझ पाता कि अगर वो बूंद भी है तो वो सागर हो सकता है, तब भी विशुद्धि चक्र पकड़ता है, जिसको कहते हैं न्यूनगंड, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। पांचवी चीज है जब उसको माँ बहन का ख्याल नहीं रहता, तब उसकी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ जाती है। या जो आदमी बहुत क्रोध से बातें करता है और दुष्टता से व्यवहार करता है, उसका भी विशुद्धि पकड़ जाता है। ऐसे अनेक कारण, उसमें से जो भी कारण हो उसे हमें मतलब नहीं। गले में ऐसी कंठ माला है, पहले कल एक साहब आए हुए थे, पता नहीं आ जाए कि नहीं, जिन्होंने कोई माला पहन, आप ही उनके साथ ही एक साहब बैठे हुए थे, तो हमने उनसे कहा कि आप माला निकालिए, तो नाराज नाराज हो गए, फिर बाद उन्होंने निकाल भी दी। फिर आपसे हमने पूछा, ये अपने चुपचाप पहने बैठे हुए थे अंदर में, तो हमने इनसे पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा आपको कुछ पहना है, कल हाँ उनके दी हुई कोई चीज है, तो कहने मान गए माता जी आपको, उनके गुरु ने दी हुई चीजें पहन के अंदर बैठे हुए थे और वो उंगली पर आ गया। वो कैसे, बहुत सरल चीज, राइट हैंड पे ये जो है, ये हृदय चक्र राइट हैंड का जो रामचंद्र जी का, वो पिता का लक्षण है, इसमें चमक मार रही थी, इस उंगली में चमक मार रही थी, इसलिए मैंने आपके पिता के बारे में, और वो इतनी जोर की चमक थी कि उसे मैं समझ गई कि कोई ना कोई उनकी दी हुई चीज आपने पहनी होगी। ये आप भी समझ लेंगे, वो तो उन लड़कियों ने से ही बता दिया था, मैंने तो बताने पर लड़कियों ने आपसे बता दिया।
तो इस तरह से चक्र का पकड़ हो गई, जैसे इन्होंने माला निकाल दी पार हो गए और इनके पास चीज आ गई। छोटी छोटी चीज पे लोग अटक जाते हैं। मैंने कहा भाई काशी का गंदा छोड़ दो, वही नहीं छोड़, हम आपको परम देने बैठे हैं, आप छोटी चीज को नहीं छोड़ रहे। अरे काशी के पंडे कैसे होते क्या पता नहीं, आपको मुझे बताना होगा, उनका भेजा हुआ वो जो गंदा है वो किस काम का होगा वो भी क्या बताना होगा आपको। एक पैसे की चीज 1 रुपए में बेचते हैं और इतने दुष्ट इतने गंदे लोग हैं, सारे उस मंदिरों के वाइब्रेशंस भी खराब कर दिए। इसमें बुरा मानने कौन सी बात है, किसी बात का बुरा नहीं मानना, सब आपके मंगल और कल्याण में बात कर रहे, सब कुछ आपके मंगल और कल्याण के लिए कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर के लोगों ने अपने फंसा रखा। तो इस विशुद्धि चक्र की मैं बात कर रही थी कि जो विराट, उसके बाद ये ऊपर का चक्र है, ये चक्र इसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र बड़ा सकरा होता है, उसके अंदर से कुंडलिनी का निकलना कठिन हो जाता है। दोनों तरफ से जब ईगो और सुपर ईगो दोनों दबाते हैं तो ये चक्र और भी दब जाता है। जब आदमी किसी को क्षमा नहीं करता और आज दिन उसी के बारे में सोचता रहता है कि इसने मुझे ये सताया, उसने मुझे वो सताया, मुझे ये तकलीफ दी, वो तकलीफ दी, ऐसे आदमी का आज्ञा चक्र एकदम पकड़ जाता है। और जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका भी आज्ञा चक्र कुछ कमजोर होता है शारीरिक। इस आज्ञा चक्र के भी अनेक रूप हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आप मेरे पास जो किताब है उसे आप पढ़ें, उसे आप देख सकते हैं कि काफी इन लोगों ने उस पर लिख दिया आज्ञा चक्र के बारे में। इस आज्ञा चक्र पे महाविष्णु का स्थान है। अब आप लोग महाविष्णु के बारे में जानते नहीं, लेकिन देवी भागवत जिसने पढ़ा होगा उसने महाविष्णु के बारे में पढ़ा है कि बहुत बड़ा ये अवतार माना जाता है, जो राधा जी का पुत्र था और वो संसार में आने वाला है, ऐसा 14,000 वर्ष पहले कहा गया था। और वही अपने ईसा मसीह, ईसा मसीह साक्षात महाविष्णु के अवतरण। अब मैं जो बात करी झूठ है सच है कैसे जानना आपसे, इसका एक बड़ा आसान तरीका है। आपकी जब वाइब्रेशन आ जाए तो आप पूछिए कि क्या ईसा मसीह महाविष्णु के अवतरण है, वही आज्ञा चक्र पे है, फौरन वाइब्रेशन आना शुरू। आज्ञा चक्र पे जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो इसकी इसका मंत्र है, लेकिन वो साक्षात ओम और प्राणों के बने हैं, माने गणेश जी का अवतरण है, ओम प्रणव है, उन्होंने साकार अपना स्वरूप लिया और इस संसार को तारण करने के लिए वो आए थे। क्योंकि वो ओम और प्रणव है, उनकी मृत्यु जब भी हुई उसके बाद उनका पुनरुत्थान हुआ और कृष्ण उनके पिता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, कि ये जो प्रणव है जो ओम है ये किसी चीज से भी कटता नहीं और किसी भी चीज से ये वहन नहीं होता है, उसकी सिद्धता करने के लिए महाविष्णु का अवतरण संसार में। कृष्ण उनके पिता थे इसलिए उनको कृष्ण कहते हैं, और यशोदा जी का नाम रखने के लिए ही उनको राधा जी ने येसु कहा, उनकी मां साक्षात राधा जी महालक्ष्मी का अवतरण है। ये सब अपने ही हैं, लेकिन उनको जान लेना चाहिए। लेकिन प्रणव निराकार है, ओम निराकार है, और साकार निराकार लेकर के बड़ा झगड़ा लोगों ने खड़ा करा हुआ। इस मामले में थोड़ी सी जरूर बात करूंगी, नहीं तो ये भी एक झगड़ा बना ही रहेगा परमानेंट। और खासकर आप देहरादून में तो काफी इस पे मैं देखती हूँ, सनातन धर्म और आर्य धर्म आदि वगैरह काफी लेकर के मैं तू तू होती रहती है। हालांकि मिला किसी को भी नहीं, सदियों से चले आ रहे दोनों झगड़े, मिला किसी को भी, किसी की भी तृप्ति मैंने देख पाई। अब निराकार साकार की बात थोड़ी सी समझा दें तो ये झगड़े भी खत्म हो जाए। जिस वक्त हमारी पिंगला नाड़ी बनाई गई जो कि हम देख रहे हैं हमारे राइट साइड में है, उस वक्त ये 5 तत्व जो थे उनको जागरूक करने की बात, आप 5 तत्व जानते हैं जिससे सारी सृष्टि बनाई, इनको जागरूक करना था, इसीलिए यज्ञ वगैरह हमारे वेदों में किए गए, श्रुतियां पढ़ी गई, यज्ञों में ये जो 5 तत्व है इसको जागरूक किया गया, जैसे मैंने सवेरे बताया था। ये 5 तत्व जागरूक करना जरूरी थी,
अग्नि को जागृत करना था, पानी को जागृत करना था, क्योंकि इनकी जागृति के कारण ही मनुष्य उनको इस्तेमाल कर सकता था। उसके बाद ही खेती बाड़ी शुरू हुई। आपका साइंस भी उसी वजह से मनुष्य के दिमाग में आया। अगर हमारी पिंगला नाड़ी अगर जागृत न होती तो हम कभी भी साइंस न खोज पाते, न ही हम ये समझ पाते कि इन पांच तत्वों को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, बिजली कैसे बनाएं और किस तरह से हम इस अग्नि को इस्तेमाल करें। अग्नि का तक हमें पता ना आता कि हम अग्नि भी ना बना, ये सब हम बना सके, इसलिए राइट साइड की पूजा होती रही। इसीलिए यज्ञ होते रहे और निराकार में ही, क्योंकि ये पांच शक्तियां, इसलिए निराकार की पूजा होती उस जमाने में। लेकिन उसमें जब आगे लोगों ने सोचा कि अब जागृत कर दिए, अब आगे क्या, तो फिर मनन की चीज शुरू हुई। तब फिर सेंट्रल पाथ पे आ गए। जब सेंट्रल पाथ पे सुषुम्ना नाड़ी पे चढ़ना शुरू हुआ तो उन्होंने दिखाई देने लग गया, इस जगह ये देवता बैठे हुए हैं और ये देवता हैं, और ये जो पांच तत्व बने हैं इसी से इन चक्रों की बॉडीज भी बनी हुई, इनकी जो शरीर रचना है ये इन्हीं पांच तत्वों से बनी। तो जब इन्होंने इन तत्वों को जानना शुरू किया तो देखा कि इनके देवता, तब इन्होंने मनन विधि में उन देवताओं को जानना शुरू किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये साकार भी इनकी चीज आती है। निराकार से साकार पे लोग उतरने लगे। जैसे जैसे चेतना बढ़ती गई वैसे वैसे आने लगे। उसके बाद जो साकार पे आ गए उनका जो हाल हो गया आप जानते हैं, इसकी पूजा कर, उसकी पूजा कर, रिचुअलिज्म आ गया, अंधश्रद्धा आ गई, धर्मांधता आ गई, बड़ा बुरा हाल हो गया। तब फिर एक बड़ा भारी आंदोलन हुआ। इतना ही नहीं, मोहम्मद साहब जैसे लोग संसार में पैदा हुए, क्राइस्ट संसार में आए, इन्होंने सबने कहा कि मेरा आकार ही की पूजा, साकार को खत्म करो। हालांकि बड़ा गोपनीय है सब कुछ लिखना, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कुछ पृथ्वी ने बनाया हुआ है और जो कुछ आकाश ने बनाया है उसका प्रतिरूप न बनाइए। ये बड़ी मार्मिक चीज है, इसको ईसाई लोग समझे तो समझ ले कि मूर्ति पूजा क्या है। अब पृथ्वी ने कौन सी चीज बनाई हुई बताइए आप, उसकी प्रतिरूप करके उसकी पूजा नहीं करना। पृथ्वी ने जितने भी स्वयंभू लिंग है ये बनाए हुए हैं, अभी ईसाइयों से कहिए कि जितने स्वयंभू लिंग है ये पृथ्वी ने स्वयं बनाए हैं, और इसके प्रतिरूप आप कोई भी बनाए वो पूजनीय होता ही नहीं क्योंकि इम्परफेक्ट है। इसका भी एक कोएफिशिएंस होता है, इस आकार का भी एक कोएफिशिएंस होता है, उस आकार के कारण ही चैतन्य बैठा, और हूबहू वैसा आकार बनाना असंभव। और जो बनाता है वो भी रियलाइज सोल होना चाहिए, और वो उसे बेचना नहीं चाहिए उसको। इसलिए जितनी भी मूर्तियों की हम पूजा करते हैं अधिक सब इस हिसाब से जीरो। अब आप जाकर के देखें रांझना का एक गणेश जी है, बिल्कुल गणेश की रूप, बिल्कुल गणेश का, और ये पृथ्वी के अंदर से निकले हुए, किसी ने उनको हाथ भी नहीं लगाया। अभी अनादि काल से बात चली आ रही, मैं खुद देखने गई, इतने वाइब्रेशन उस गणपति में है जैसे कि कोई जागृत वहां समाधि लगाई हुई हो, इस तरह से उनमें जागृत वाइब्रेशन आते हैं। इसीलिए कहा गया था कि उसके प्रतिरूप मूर्ति न बना। अब हम लोग हैं, इसको देखिए वही मूर्ति बनाने बैठ जाता, हर एक चीज की मूर्ति बना करके बैठ गए, उसको पूजने बैठ गए, उसका कोएफिशिएंस है या नहीं, उसमें चैतन्य है या नहीं, वो जागरूक है या नहीं, इसको तो हम देखते। इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन इस तरह से उन दिनों में ईसा मसीह के समय में हुआ, क्योंकि मूर्ति का मतलब यह, गए वहां पर पैर पड़ना शुरू कर दिया, ये करना। अब काबा के अंदर जो पत्थर है वो साक्षात शिवलिंग है, पृथ्वी से निकला हुआ शिवलिंग है वो, उसे मोहम्मद साहब जानते। और जितने भी शिवलिंग साक्षात है वो साक्षात है, लेकिन जिसको देखिए वही मिट्टी का बना ले, पत्थर का बना ले, ये बनाने की इजाजत नहीं। इसलिए मूर्ति पूजा बाधक,
मूर्ति पूजा के विरोध में जो लोग बोलते हैं वो वहां तक सही है कि मूर्ति पूजा जो कि मूर्ति झूठ मूठ में बनाई गई उसकी नहीं होनी चाहिए, यहां तक वो सही है। लेकिन साकार परमात्मा नहीं होते हैं ये कहना बहुत गलत बात है। इसका मतलब है आपने वन साइडेडनेस की, उसकी वजह दूसरी थी कि जब साकार की पूजा लोग करने लग गए तो लोगों ने देखा कि इस कदर वो गलत हो गए। समझ लीजिए कि हम आपसे कहें कि आप शहद को खोज लाए, तो हम आपसे कहें पहले फूलों का वर्णन कहें कि फूल ऐसा होना चाहिए या ऐसा फूल मिलेगा उसमें शहद मिलेगा। आप गए देख के चले आए, हाँ भाई फूल मिल गया, आप फूलों की पूजा करने लगे, शहद आपको नहीं मिलेगा, बातचीत से शहद नहीं मिल सकता। सिर्फ फूलों की बातचीत होती रही कि फूल ऐसे होते हैं, फूलों में ये करना चाहिए, फूलों को ये करना चाहिए, शहद नहीं मिलता बातचीत। तो उन्होंने कहा कि फिर भाई शहद नहीं मिला, चलो शहद की बातचीत कर, तो दूसरी बातचीत शुरू कर दी निराकार की, वो भी बातचीत ही बातचीत है, दिमागी जमा कर। आप चाहे शहद की बात करो चाहे फूल की बात करो, आपको शहद नहीं मिल सकता जब तक आप स्वयं ही मधुकर न हो जाए। जब तक आप स्वयं ही मधु को पाने के योग्य न हो जाए तब तक आपको शहद नहीं मिल। फूल भी जरूरी है और शहद भी जरूरी है, और शहद को पाने के लिए आपका भी वो होना जरूरी है जिसे मधुकर कहते हैं। अब ये झगड़ेबाजी की बात है कि हर चीज को लेकर झगड़ा खड़ा करें, सत्य एक है उसमें कभी झगड़ा नहीं। अब उस जमाने में जो पहले जमाने में जबकि सिर्फ हम अपने पांच तत्वों को प्रबुद्ध कर रहे थे उस चीज को लेकर के, और आज झगड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। जो बीच की बात हो चुकी है यह भी बिल्कुल सही है कि परमेश्वर अवतार स्वरूप होते हैं, वो अवतार लेते हैं संसार में आ करके और मनुष्य का उद्धार करते हैं, यह भी बिल्कुल सनातन बात है, और यज्ञ संध्या भी सनातन बात है जिसके कारण आप ये पांच एलिमेंट्स हैं अपने अंदर उसकी शुद्धि करें, क्योंकि अगर आपके चक्र शुद्ध नहीं हुए तो मेरा कहना भी व्यर्थ हुआ। वो भी जरूरी चीज है और आत्मा का जानना भी जरूरी, अगर इसको समझ ले तो सारा झगड़ा खत्म हो जाए। और व्यर्थ की बकवास कर करके हजारों किताबें लिख करके जिस तरह से आप लोगों ने झगड़ा खड़ा कर दिया है वो सब देखा। अब कल ही एक साहब आए थे तो कह ले मैं गायत्री मंत्र कहता हूँ। भाई क्यों कहते हैं आप गायत्री मंत्र, वो पार नहीं हो पा रहे। मैंने कहा कि अच्छा आप कहिए कि आप गायत्री देवी के बारे में पूछे, कहले हम तो मानते नहीं वो साकार होती। अरे आप मानते नहीं तो किस आधार पर नहीं मानते, क्योंकि आप आर्य समाजी फैमिली में पैदा हो गए, आप आर्य समाजी बन गए, मनुष्य की स्वतंत्रता कहां गई, क्योंकि आप हिंदू पैदा हो गए आप हिंदू बन गए। हो सकता था आप मुसलमान पैदा हो जाते, हो सकता था आप कहीं अफ्रीका में पैदा हो सकते थे, जब आपका पुनर्जन्म है ही तो आप कहीं भी पैदा हुए होंगे। शायद हो सकता है आप पूर्व जन्म में बड़े कट्टर मुसलमान होंगे और आज बड़े कट्टर आप ब्राह्मण बने बैठे, हो सकता है और होता ही है। एक अति से आदमी दूसरी अति में हमेशा उतरता है, एक कट्टरता को लेकर चलता है तो दूसरी कट्टरता में। सत्य कट्टर नहीं है, सत्य साक्षात, इसका साक्षात कराना चाहिए। सूझबूझ इसमें है, सुज्ञता इसमें है, इसमें भी कि वो जो सत्य है उसे हमें पाने का है, उसी को हमें लेने का है, और असत्य हम नहीं चाहते। आज यही हो रहा है, आपके जो जवान बच्चे हैं ये परमात्मा पे विश्वास नहीं करते, उनको मेरी बात भी बेकार लगती है शुरू में। सभी विश्व में ये बात, आप ही की बात ये नहीं, आपसे कहीं अधिक और जगह ये हो गया, कहीं अधिक और जगह हो गया है कि जहां लोगों ने परमात्मा से विश्वास छोड़ दिया। अल्जीरिया के एक हमारे शिष्य है, इंजीनियर है, हमारे पास आए थे, मुसलमान है वो लोग, सब वहाँ के जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं इंजीनियर डॉक्टर आर्किटेक्ट वगैरह उनको परमात्मा में विश्वास है, उनमें से ये महाशय भी ये किसी तरह से हमारे पास आ गए और पार हो गए। एक विश्वास को धर्मांधता से निकल करके और अविश्वास की ओर जब मनुष्य झुकता है तो बीचों बीच सहयोग से पकड़ सकता है। जब उन्हें साक्षात हो गया, आज उन्होंने 500 वहां अपने डिसाइपल्स बनाए हैं अल्जीरिया में, जो कि मुसलमान, जो कि विष्णु की भी पूजा करते हैं और मोहम्मद को भी जानते हैं। इसलिए नहीं कि मैंने कहा है, उसके बगैर काम ही नहीं बनता। अगर आपके पेट के कैंसर है और अगर आप धर्मांध हैं तो आपको मोहम्मद साहब का नाम लेना पड़ेगा, आप नहीं लीजिएगा तो मैं ठीक नहीं कर सकता। और अगर
आप मुसलमान हैं और आपको कैंसर है पेट का, तो आपको दत्तात्रेय जी का नाम लेना पड़ेगा और विष्णु जी का नाम लेना पड़ेगा, चाहे आप मुसलमान हो चाहे कोई। किसी का कोई ठेका नहीं होता है कि ये भगवान मेरे हैं वो भगवान मेरे हैं। उनको समझा नहीं, बुझा नहीं और बना लिया। अब तो धर्म का राजकारण जब बन गया तो अब तो भगवान ही बेचारे। जो लोग राजकारण में धर्म लाके बात करते हैं उनसे पूछे आप क्या धर्म के बारे में कुछ जानते भी हैं। धर्म का राजकारण नहीं बन सकता। आपको मैंने विशुद्धि चक्र के बारे में बताया, अब आज्ञा चक्र के बारे में बताया। जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र को छेदती है तब आप निर्विचार हो जाते हैं, निर्विचारिता आप में बैठ जाते हैं। यह भी चक्र यहां बहुत पकड़ता है, पता नहीं क्यों आप क्षमाशील कम है, क्षमा करना चाहिए, क्षमाशील होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम क्षमाशील नहीं तो परमात्मा भी हमें क्षमा नहीं करता। हमें बहुत तकलीफें होती हैं दुनिया में, माना है, लेकिन हमको क्षमा करना चाहिए, इसे परमात्मा भी हमें क्षमा, नहीं तो परमात्मा क्यों हमारी गलतियां क्षमा करें। इसे भी आज्ञा चक्र बहुत पकड़ता है, क्षमाशीलता बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप सबको क्षमा कर दें, पूरी तरह से क्षमा। अंत में आपका चक्र जो है जिसे सहस्त्रार कहते हैं, जो हजार पेटल से बना हुआ है, डॉक्टर का भी झगड़ा कि 982 नाड़ियां हैं उनके हिसाब में और इसको हजार कहते हैं, अब यही लेके बैठे रहे उनके साथ झगड़ा करते। 1000 पंखुड़ियां हैं वो खुल जाती है कमल के, अनेक रंगों की पंखुड़ियां होती हैं और जब ये खुल जाती है तब कुंडलिनी इसके अंदर से गुजर के और ब्रह्म रंध्र को छेदती है। इसका नाम है ब्रह्म रंध्र, रंध्र माने छेद और ब्रह्म का, ब्रह्म माने सर्वव्यापी जो शक्ति जो कार्यान्वित होती, परमात्मा की जो शक्ति जो सर्वव्यापी है, जो आपके अंदर निहित है, और जैसे ही ये छेद देती आपके अंदर वो शक्ति स्थापित हो जाती। आप भी बता सकते हैं कि दूसरे के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये सामूहिकता आपके अंदर जागरूक होती है, इसमें कोई लेक्चर नहीं देने। निःशब्द ध्यान में बैठते हैं।
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सब एक प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व बन जाए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सब आपके श्री विराट स्वरूप के अंग प्रत्यंग बन जाए। अपनी ध्यान धारणा और सामूहिक कार्य की तपश्चर्या से हम श्री आदिशक्ति के एक प्रभावी और प्रभावशाली माध्यम बन जाए। परम पूज्य श्री माता जी, आज का यह सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। कृपावंत होकर हम सबको और इस संपूर्ण विश्व को आशीर्वादित कीजिए। श्री माँ को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। आज का यह ध्यान केंद्र यही संपन्न होता है। जय श्री माता जी।